नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर से एक वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं बताऊंगा बड़े पौधे पर डबल ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था छोटे पौधे पर डबल ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो आज भी एक बहुत अच्छा वीडियो है जिससे किसान भाई को फ़ायदा होगा, क्योंकि अब यही सीजन है जिससे हम बड़े पौधे में डबल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो किसान भाई, पहले आप प्रूफ देख लीजिए। मैंने ग्राफ्टिंग लगाया, आज 40 से 50 दिन हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अब रेडी हो चुकी है, मेरी ग्राफ्टिंग लग गई। जब हम बरसात के सीज़न में अगर लगाते हैं ग्राफ्टिंग, तो उसका बहुत चांस होता है। जैसे सितंबर अक्टूबर महीने में आप ये प्रयोग कर लेना। मैं आज आपको बताता हूँ बड़े पौधे में किस तरह से करना। तो आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये कॉटन है, कॉटन का कापूस ये ले लेना थोड़ा। ये पैकिंग रोल है जिसे आप हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा, जो पतली पन्नी कहते हैं, ये ले लेना। ये है वैक्स, वो भी आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा। एक कटर है, एक नाइस है, वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ऊपर की तरफ धागा बांध लिया है, जैसे दोनों तरफ हमें करना है। तो दोस्तों, कट लगाना एकदम ध्यान से देखना, यही मेन पॉइंट है। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट करना अगर महीन नहीं मालूम पड़े तो। 3 इंच का हमें कट लगाना है दोनों तरफ। जैसे हम साइन लेते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा, हम जितना कट उस कम लगाएंगे उसमें ग्राफ्टिंग जल्दी लगता है। ये मैंने 3 इंच का लगा दिया हूँ। तो किसान भाई, इसी पौधे पर मैं लगाऊंगा तो उसका जो ग्रोथ होती है ना, बहुत फास्ट होती है। 3 सालों के ऊपर बहुत बड़ा पौधा हो जाता है और उसके ऊपर फल जल्दी आना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी वैरायटी लगाना, लेकिन अच्छी वैरायटी लगाना। तो मैंने ऊपर से 1 इंच इस तरह से कट मार के उसको हम निकाल देंगे। किसान भाई, ये करना बहुत ज़रूरी है, आराम से करना, ध्यान से करना, तभी ये ग्राफ्टिंग आपको सक्सेस होगी। वरना आप थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, वीडियो अधूरा देखते हैं, इसके लिए आप सफल नहीं होते हैं। तो निशिक की तरफ से ध्यान से थोड़ा उसको निकालना इस तरह से। तो मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ, ये देख लीजिए, इस तरह से आपको कर लेना है। ऐसे तो आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग ग्राफ्टिंग लगाने वाला, लेकिन मैं इस तरह से ग्राफ्टिंग लगाता हूँ और मैं उसमें मुझे कई बार सक्सेस मिली है। जब हम साइन लेते हैं तो 3-4 मंथ पुरानी होनी चाहिए, एकदम अच्छी लेना। इस तरह से उसके ऊपर फ्लोटिंग होने वाली ले लेना आपको। अब साइन के ऊपर हम इस तरह से प्लास्टिक लपेट लेना, बराबर से एकदम लपेट लेना। थोड़ा से भी इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, इसको पानी बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। इस तरह से आप लगा दीजिए, पूरा कवर कर देना। फिर मार्किंग कर लेना, जितना हमने नीचे से कट लगाया है वहाँ से आपको साइन में कट लगाना है इस तरह से। दोस्तों, ये जब कट लगाते हैं तो आपको कटर नाइस की ज़रूरत पड़ेगी, ये अच्छा है, इससे कट अच्छा लगता है, वहीं ले लेना आपको। 20-30 रुपये में आपके हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी, वहीं ले लेना। ये देख लीजिए, इस तरह से और नीचे से और ऊपर से इस तरह से मैंने कट लगा दिया। इस तरह से अंदर लगा देने का। अब उसके ऊपर हम प्लास्टिक का धागा बांधेंगे, फिट बांध देना। तो किसान भाई, मैं करता हूँ वैसा भी, आप देख के करते जाना। इस तरह से थोड़ा फिट बांध देने का,
तो किसान भाई वीडियो अंत तक देखना। अगर मेरी चैनल पे पहली बार तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको अंदर की तरफ दिखाई देगा होगा कि बराबर से एकदम बिट जाना चाहिए, एकदम फिटो फिट हमें। तो किसान भाई मैं ये नहीं कहता हूँ, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, एक ही बार में कभी नहीं आता। तो कई किसान भाई ने मुझे कमेंट करता है, कहता है कि ये तो मेरा तो पौधा सूख गया, ये हो गया, लेकिन आपको एक बार में नहीं आएगा दोस्तों, आपको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा। फिर इसमें इस तरह से कापूस डाल देने का, जो कैप रहती है उसमें कापूस हमें इस तरह से भर देना है बराबर फिट। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर वैक्स। दोस्तों वैक्स लगाने से क्या होगा, पहली बात उसमें पानी नहीं जाएगा, पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, जैसे चींटी वगैरह नहीं जाएगा। चींटी एक ख़तरनाक है, जिससे चींटी घुस जाने पर भी हमारा ग्राफ्टिंग नहीं लगता, ये भी आप ध्यान रखना। वैक्स बराबर दबा के लगाना, एकदम कस के फिटो फिट मारना, ताकि उसमें कुछ जाना पाए घुस ना पाए। वैक्स क्या होता है, चींटी को जब पैर लगता है तो उसमें थोड़ा बहुत चिपक जाता है, इसके लिए चींटी आसपास नहीं आती इसके आसपास, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। या तो आप वैक्स नहीं मिले तो आप थोड़ा बहुत ग्रीस लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगभग आपको हार्डवेयर की दुकान में ये दिखाना मिल जाएगा। तो अब वैक्स लग गया है किसान भाई, अब उसके ऊपर रस्सी फिट हम वापस बराबर उसमें बांधेंगे। देखना किसान भाई, आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा, दो बार वीडियो देखो फिर आप ट्राई कीजिए, आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये आपको सितंबर से लेके नवंबर पहले आपको ये कर देना है, तभी इसकी जैसे उसमें हल्की हल्की बारिश होती है और कई बार उसमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, उसी में वो लग जाता है। अब ये हो गया, अब इसके ऊपर हम अच्छी मिट्टी लेंगे, जैसे आपको स्वस्थ मिट्टी लेना है, जैसे कोई फंगस वाली नहीं बल्कि अच्छी लेना है। इस तरह से ऊपर हमें मिट्टी दोनों तरफ लगा देंगे। मिट्टी क्या है, मिट्टी लगाने से उसको नीचे की तरफ ठंडक रहती है, जैसे धूप पड़ जाए तो भी उसमें सूख ना जाए हमने जो कट लगाया है वो भाग। अब उसके पर हमेशा याद रखना किसान भाई, वो ब्लैक प्लास्टिक ही यूज़ करना, जैसे अपने पास जो किसान भाई खेती करता है वो मल्चिंग पेपर रहता है वो वाला प्लास्टिक ले लेना, या तो फिर आपको कोई भी आपको ब्लैक प्लास्टिक मिले वही लेना, क्योंकि उसमें एक जानते हैं उसमें एक टेम्परेचर बनता है ब्लैक प्लास्टिक से, जिससे बहुत जल्दी उसमें जॉइंट लगता है। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक प्लास्टिक का ही यूज़ करता हूँ, आप किसी भी प्रकार का करना लेकिन ब्लैक ही लेना। फिर उसके ऊपर फिट बांधना है, जैसे उसमें भी पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। वैसे तो सितंबर अक्टूबर जब आता है तो बरसात थोड़ी हल्की कम हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से, तो दोस्तों इसमें तो मैं कभी फेल ही नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से करता हूँ, छोटा था तब से ही करता था, आज तक करता आया हूँ। तो आप भी इस तरह से करना, ज़रूर करना, आप अच्छे से सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता तो मुझे कमेंट में बताना, मैं सब कुछ जानकारी दूंगा। तो ये मैंने आपको दिखाता हूँ, ये मैंने दोनों तरफ लगाया हूँ, अगर एक नहीं लगा तो दूसरा एक तो लग ही जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बता।